आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं VTP की वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में अगर बात करें तो आपको अगर बेसिक आइडिया, अगर आपने सपोज CCNA में ये VTP कंप्लीट कर रखा है तो आपको इतना सा आइडिया होगा कि VTP के मल्टीपल मोड्स होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, राइट। सबसे पहले VTP क्रिएट क्यों करते हैं, VTP का यूज़ क्या है? तो देखिए, VTP ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का जो मेन यूज़ है वो ये है कि आपको सेंट्रलाइज्ड VLAN मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब विद हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज्ड VLAN मैनेजमेंट आप एक ही जगह से बैठ के मल्टीपल VLANs को मैनेज कर सकते हो। मतलब सिंगल स्विच पे आपने VLAN की जो भी इंफॉर्मेशन चेंजेस करने हैं वो आप सर्वर मोड वाले स्विच पे चेंजेस करोगे और बाकी जितने भी अदर स्विचेस हैं जो कि क्लाइंट मोड में हैं उन सभी स्विचेस पे आपका VTP के थ्रू जो इसका VLAN.DAT फाइल है, इसकी जो VLAN की फाइल है वो सभी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, सभी के साथ अपडेट हो जाएगी, राइट। तो अभी तक क्या हो रहा है, सपोज़ आप अगर VTP यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर VTP यूज़ करते हो तो आपके पास ये मल्टीपल मोड के ऑप्शन हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, राइट। तो ये 3 मोड्स के ऑप्शन हैं। हर मोड का मीनिंग क्या है इसके बारे में 1x1 डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर आप VTP नहीं यूज़ करते हो तो ये जितने भी स्विचेस आपको दिख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होते हैं। तो आपको अगर क्लाइंट मोड में जाना है तो क्लाइंट मोड की कमांड रन करनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट मोड अगर मैं किसी स्विच को बनाऊंगा तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट मोड की कमांड रन करनी पड़ेगी। अभी मैं बात कर रहा हूं सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड क्लाइंट मोड की, राइट। स्विच वन की अगर हम बात करें तो चेक कर लेते हैं स्विच वन का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं स्विच का कंसोल ओपन करता हूं, सभी के कंसोल ओपन कर लेते हैं 1x1, स्विच वन, स्विच टू एंड स्विच थ्री। देखिए मैंने स्विच वन का ये कंसोल ओपन कर लिया, ठीक है, तो मैं इनेबल करता हूँ और स्विच वन में मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ। मैंने आपको कहा ना, अभी मैंने इनको क्लाइंट्स नहीं बनाया, केवल इस पर एक नेम दिया हुआ है कि स्विच टू को क्लाइंट मोड में रखा है, स्विच थ्री को क्लाइंट मोड में रखा है, बट अभी मैंने सारे स्विचेस एज इट इज़ डिफॉल्ट कनेक्ट है, अभी इस पर किसी पर भी मैंने कोई कॉन्फिग्रेशन नहीं की हुई है, ठीक है। तो उसका सीधा सा तरीका ये है कि आप 100 VTP स्टेटस करके देख लें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका स्विच है वो किस मोड में है। देखिए VTP ऑपरेशन मोड, ऑपरेटिंग मोड क्या है, सर्वर। बाय डिफॉल्ट चाहे आप स्विच वन पे रन कराएंगे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि जिसके ने अगर VTP पहले से नहीं पढ़ा है तो उसको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। सो VTP स्टेटस आप कर लो तो इस पे भी देखिए आपका जो VTP ऑपरेटिंग मोड शो कर रहा है वो सर्वर शो कर रहा है। तो इट मीन्स डिफॉल्ट VTP ऑपरेटिंग मोड क्या मिलेगा, सभी स्विचेस पे सर्वर मिलेगा, ओके। अगर मुझे किसी स्विच को क्लाइंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्लाइंट की कमांड रन करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ स्विच वन तो ये सर्वर पे है, तो मैं इसकी कॉन्फिग्रेशन मोड में इसको समझने के लिए, ऑलरेडी VTP मोड सर्वर है तो इसको समझने के लिए मैंने इसका होस्ट नेम दे लेता हूँ, सर्वर मोड, ठीक है। तो ये सर्वर मोड में है, हम लोग ऑलरेडी सर्वर मोड में है। स्विच टू पे आ जाते हैं, स्विच टू की अगर बात करें तो ये सर्वर है, इसको मैं क्लाइंट मोड में चेंज करूँगा, ठीक है। तो क्लाइंट मोड में आने के लिए आपको कमांड कौन सी रन, मतलब किसी भी स्विच को अगर क्लाइंट मोड में ले जाना है तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट मोड में जाएंगे तो VTP मोड क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट, सर्वर ऑफ कर सकते हो सारे डिवाइसेस को, ठीक है। तो VTP मोड क्लाइंट, ओके। तो अभी VTP मोड क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, राइट। स्विच थ्री पे आना है, अगर स्विच थ्री को भी आपको VTP क्लाइंट बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन में आप चले जाइए और सिंपल सी कमांड चलाइए VTP मोड क्लाइंट, राइट। ये भी क्लाइंट मोड में आ गया। अभी देखा जाए स्विच वन, स्विच टू एंड स्विच थ्री तीनों ही क्लाइंट मोड में हैं और इसके बाद आता है VTP डोमेन नेम। ध्यान रखना है कि डोमेन नेम का काफ़ी बड़ा रोल है, इसलिए मैं आगे भी बात, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको DTP बताया था, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, राइट।
वीटीपी में, वीटीपी का डिफरेंट अगर जो डोमेन नेम अगर आप दो स्विचेस पे डिफरेंट कर देते हो तो उसका डीटीपी पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। ये चीज़ हम लोग करके देखेंगे, इस पॉइंट को भी करके देखेंगे। पहले आप ऐसे समझिए कि मैंने एक स्विच को क्या रखा है सर्वर मोड में, इन दोनों स्विचेस को क्या रखा है क्लाइंट मोड में, राइट। तो अब इससे होगा क्या कि जितने भी वीलैंस मैं सर्वर पे क्रिएट करूंगा वो सभी के सभी वीलैन क्लाइंट मोड वाले स्विच पे अपडेट हो जाएंगे, जितने भी डोमेन के अंदर। अगर मान लेते हैं हमारे डोमेन का एक कॉमन नेम ले लेते हैं, तो मैं सपोज डोमेन का कॉमन नेम दे देता हूँ, मैं स्विच वन पे हूँ जो वीटीपी मोड सर्वर है, इसका वीटीपी आप डोमेन नेम भी कॉमन कर दीजिए। डोमेन नेम सपोज मैं इसका कर देता हूँ आईपीएसटी कैपिटल में, और स्विच टू का डोमेन नेम कर देता हूँ वीटीपी डोमेन नेम राइट, एंड स्विच थ्री वीटीपी डोमेन नेम, सभी का डोमेन नेम मैंने क्या कर दिया नल था पहले, देखो नल टू आईपीएसटी, सभी का आईपीएसटी हो गया, कॉमन डोमेन नेम हो गया। तो अगर मैं स्विच टू की बात करूं तो ये भी क्लाइंट बन चुका है, तो समझने के लिए इसको आप होस्ट नेम में क्या कर दो क्लाइंट, क्लाइंट मोड, ठीक है। ऐसे ही स्विच थ्री को भी कर लेते हैं होस्ट नेम। अभी इसमें छोटी सी लैब है तो आपको नहीं लग रहा, लेकिन जब भी आप कभी बड़ी लैब करोगे ना ठीक क्लाइंट मोड राइट, तो ये दोनों ही क्लाइंट मोड में है। अगर आप 100 बीटीपी स्टेटस करोगे किसी भी क्लाइंट वाले स्विच पे, तो आपको इसमें दो चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। एक हमने आपको बताया कि वीटीपी डोमेन नेम मैंने आईपीएसटी किया हुआ है, और दूसरा मैंने इस स्विच का जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड था उसको क्लाइंट मोड बना दिया, ठीक। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आप भी लैब अगर कर दो तो अच्छे से कर सको, ठीक है। तो सिंपली मैंने स्विच टू को और स्विच थ्री को क्या बनाया हुआ है, स्विच टू को क्लाइंट मोड में किया है और इसका डोमेन नेम है आईपीएसटी, एंड स्विच थ्री को भी क्लाइंट मोड में किया हुआ है और इसका वीटीपी डोमेन नेम है आईपीएसटी, राइट। अब मैं जितने भी स्विच है मतलब सर्वर है, इस सर्वर पे जो भी वीलेंस क्रिएट करूँगा वो सभी वीलेंस स्विच टू एंड स्विच थ्री पे अपडेट हो जाएंगे। पर उसके पीछे रीज़न है, देखो ये क्या हो रहा है, जब वीटीपी आप क्रिएट करते हो तो इसका मतलब आपने एक डोमेन नेम दिया आईपीएसटी, इसका मतलब आईपीएसटी डोमेन का ये सभी स्विचेस पार्ट है, राइट। सभी एक ही डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक सर्वर मोड में है और बाकी अदर स्विचेस जो अदर स्विचेस लगे हैं वो सारे के सारे क्लाइंट मोड में है, ओके। तो जो वीलेंस आप सर्वर वाले स्विच पे क्रिएट करोगे, तो जैसे ही सर्वर वाले स्विच पे वीलेन क्रिएट करोगे तो उसकी एक फाइल बनेगी जिसको बोलते हैं वीलेन डॉट डैग फाइल, ठीक है। उस फाइल का नाम है, जब भी स्विच पे आप क्रिएट करोगे तो वीलेन डॉट डी ए टी फाइल, वीलेन डॉट डैट फाइल जो है वो इस स्विच पे क्रिएट हो जाएगी। अब बात समझिएगा ध्यान से, स्विच टू या स्विच थ्री है, इस स्विच टू और स्विच थ्री पे अपनी कोई फाइल नहीं बनेगी वीलेन की, यही जो वीलेन डॉट डैट फाइल है जो सर्वर वाले स्विच पे बनी हुई है ये अपडेट होगी क्लाइंट मोड वाले दोनों स्विचेस को, राइट। तो क्लियर हो गई बात, जो वीलैंड डॉट डैट फाइल सर्वर मोड पे है यही वीलैंड डैट फाइल क्लाइंट मोड वाले स्विचेस पे अपडेट होगी। बट उसके लिए क्या चाहिए कि अगर जो वीलैंड की इंफॉर्मेशन है मतलब अगर वीटीपी मैसेजेस आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो फ्रॉम स्विच वन टू स्विच टू, स्विच टू टू स्विच थ्री, वीटीपी इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच में अगर आप भेज रहे हो, तो उसके लिए स्विच का जो पोर्ट का टाइप है वो ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। अगर स्विच वन का इथरनेट 0/1 ट्रंक पोर्ट है तभी इससे वीटीपी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, अदरवाइज वीटीपी इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी। मतलब वीटीपी की इंफॉर्मेशन अगर पास करनी है तो पोर्ट का ट्रंक होना मैंडेटरी, ओके। तो ये डैट वाली बात समझ में आई कि सर्वर मोड पे जो वीलैंड डॉट डैट नाम की फाइल बनी हुई है वही क्लाइंट मोड वाले स्विचेस पे अपडेट होगी, कोई भी स्विच अपने पास कोई एक वीलैन की फाइल क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये जो क्लाइंट मोड वाले स्विचेस हैं ये जो वीलैन अपडेट होंगे इस पे विद हेल्प ऑफ वीलैन डॉट डैट फाइल जो कि सर्वर पे क्रिएट की गई होगी। इतनी चीज़ें हो गई है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अभी आप इस चीज़ समझिए। तो सबसे पहले हम लोग स्विच वन पे आ जाते हैं,
देखिए मैं स्विच वन में हूँ और स्विच वन में मैं कमांड रन करा रहा हूँ, सो वीटीपी स्टेटस आप इसको देखिए। तो सो वीटीपी स्टेटस करके मेरा इसका जो ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर है और इसका जो डोमेन नेम है वो आईपीएसटी। अभी मैं ये दो ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की भी बात करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपडेटर आईडी के बारे में भी बात करेंगे, राइट, इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। ओके राइट, तो देखिए अब मैं स्विच मोड वाले जो सर्वर मोड है उस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर सो भी है कमांड। देखिए अभी इस स्विच पे जो एक वीलैन क्रिएट है बाय डिफॉल्ट वीलैन वन वो एक्टिव है और इसके अंदर फोर इंटरफेसेस हैं, इथरनेट 0/0, 0/1, 0/2 और 0/3, टोटल फोर इंटरफेसेस हैं इस स्विच के अंदर। ओके अब मैं इस स्विच पे क्या करता हूँ, इस स्विच के अंदर कुछ मल्टीपल वीलैंस क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि ये सर्वर मोड पर है, राइट। तो मैं इसको कॉन्फिग्रेशन मोड में ला के वीलैन 10, वीलैन 20, ठीक है, वीलैन 30। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताते हुए आपको चलता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू थी, जस्ट मिनट, इधर आप देखो यहाँ पे आ रहा था कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, सीआर नंबर। जब भी वीटीपी की बात होगी और आप सीसीएनपी लेवल का इंटरव्यू देंगे तो आपसे सीआर के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा वीटीपी के केस में, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के बारे में पूछा जाएगा। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए जितनी भी कमांड्स आप स्विच पे रन कराओगे वो मल्टीपल कमांड्स जैसे जैसे आप रन कराते जाओगे उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, राइट। जैसे अभी ज़ीरो शो कर रहा है और मैंने स्विच पे अभी जो कमांड्स रन कराई है, अभी ज़ीरो शो कर रहा था और मैंने स्विच पे वील एंड 10 एक कमांड हो गई, 20 एंड 30 और सपोज़ एक और बना लेता हूँ मैं वील एंड 40, टोटल कमांड्स मैंने कितनी चलाई, फोर कमांड्स रन कराई। अब मैं इसको सो वीटीपी स्टेटस चेक कराता हूँ आपका, तो तीन चीज़ें हम लोग साथ में लेके चलते हैं। देखिए मैंने सो वीटीपी स्टेटस किया तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो आपका सीआर नंबर है वो क्या कर रहा है, फोर। सीआर नंबर कितना शो कर रहा है, फोर कर रहा है, क्योंकि जब भी आपको सीआर का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो कि सीआर इंक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब आप ऐसे समझिए जितनी भी कमांड्स आप वन बाई वन रन कराते जाओगे तो आपका सीआर नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके तो अभी सीआर नंबर क्या हो गया, फोर हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने वीलैन आप बनाओगे, नहीं, जितनी कमांड्स आप रन कराओगे। जैसे मैं अगर आपको बात करूँ तो मैं यहाँ पे वीलैन बना लेता हूँ, वीलैन मैंने 40 तक बनाया, मैं 52-55 वीलैन बना देता हूँ। तो ये तो सिंगल कमांड हुई बट वीलैन तो मल्टीपल बन रहे हैं, लेकिन जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो वन इंक्रीज करेगा, वीलैन के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं करेगा। देखिए डन किया मैंने, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ पे डू सो वीटीपी स्टेटस कर लेता हूँ। देखो इधर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर एक इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले क्या थे, फोर थे, अभी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर का मतलब समझ आया, तो तीन चीज़ें हो गई, थ्री पॉइंट्स हो गए। पहली चीज़ वीटीपी डोमेन नेम आईपीएसटी किया हुआ है, दूसरी चीज़ इस सर्वर का ऑपरेटिंग मोड क्या है, सर्वर है, तीसरी चीज़ सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, फाइव, सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर फाइव। तो अब आपका जो वीटीपी मैसेज है ना, अगर आप वीलैन डॉट डेट फाइल की अगर बात करूं, नो सच फाइल यूनिक्स डॉट फ्लैग, देख लेता हूँ आई थिंक, क्योंकि ये मैं वर्चुअल यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर मैं ये कमांड उस पर चल रहा था, फिजिकल स्विच पे रन कर रहा था, एक हिंट आई हुई है उसके थ्रू, देख ली इस पर कमांड नहीं रन करेगी। अदरवाइज आप अपने फिजिकल स्विच पे रन कराओगे तो वहाँ पे आपको फ्लैश की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और फ्लैश के अंदर आप जो भी वीलैन डॉट डेट फाइल है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वीलैन डॉट डेट फाइल चेक कर सकते हो। फिजिकल स्विच पे आप ये कमांड चला लेना, रन कर जाएगी, किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक, और आपको अपनी जो वीलैन डॉट डेट फाइल है वो भी दिख जाएगी।
तो सर्वर की बात करें तो मैं 100 वीलैन कर लेता हूँ भैया, और 100 वीलैन करने के बाद मेरे पास एक्टिव वीलैंस 1255, टोटल नंबर ऑफ वीलैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वीलैंस हैं। और अगर टोटल वीलैंस की बात करी जाए तो 11 के बाद 12 13 14 एंड 15, राइट, टोटल वीलैंस 15 है बट जिसमें से एक्टिव वीलैन है वो 11 है, राइट, और ये अनसपोर्टेड वीलैन है। अगर आप चेक करो तो 100 VTP स्टेटस में आपको दिखाया, देखो 100 VTP स्टेटस में दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन कितने शो कर रहा है 15, जबकि एक्टिव विलेन कितने हैं 11। क्लियर हो गई बात। और इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कितना है 5। ओके, अब अगर मैं कोई और विलेन बढ़ा देता हूँ, जैसे विलेन 555, बट जैसे ही मैंने बढ़ाया कि 100 विलेन किया, VTP स्टेटस किया, देखिए फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका इंक्रीज कर गया, ठीक, राइट। बट समझना ये है कि अभी आपने इस जो इथरनेट 0/0 है स्विच वन का, इसको ट्रंक नहीं बनाया, तो ट्रंक नहीं बनाए इसलिए VTP इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस से पास नहीं होगी। तो मैं क्लाइंट मोड वाले स्विच पे अगर चेक करूँ, मैं क्लाइंट मोड वाले स्विच पे आ गया और इस स्विच पे आके मैंने 100 VLAN की इंफॉर्मेशन चेक की या 100 VTP स्टेटस कर लिया, देखिए अभी भी रिवीजन नंबर क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि इसके पास कोई अपडेट नहीं आया। अगर इसके पास अपडेट आएगा तो इसका रिवीजन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, राइट, क्योंकि फाइल कौन सी आ जाएगी, जो vlan.dat फाइल सर्वर पे है वही vlan.dat फाइल स्विच टू वाले स्विच टू पे भी अपडेट हो जाएगी। और अगर स्विच टू पे अपडेट हो जाएगी तो इसका रिवीजन नंबर और इसके vlan की इंफॉर्मेशन, अगर अभी बात करें तो 100 vlan करता हूँ तो कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट हुई नहीं हुई, इट मीन्स अब हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रंक क्रिएट करना पड़ेगा, इथरनेट 0/0 को ट्रंक बनाना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि दोनों साइड में अगर डायनेमिक ऑटो है, दोनों साइड में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इंटरफेस का डायनेमिक ऑटो है तो उस कंडीशन में ट्रंकिंग इनेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप चेक करोगे तो इसका जो स्विच वन का इथरनेट 0/0 है, स्विच टू का इथरनेट 0/0, ये दोनों ही डायनेमिक ऑटो होंगे, राइट। अगर आप एक को डायनेमिक डिजायरेबल बना दोगे तो आपको ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं, ये ट्रंक नेगोशिएट कर लेंगे। ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल से 45 मिनट का वीडियो था, राइट, DTP के बारे में। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, चाहूँ तो मैं मैनुअल भी ट्रंक बना सकता हूँ, आप ट्रंक की कमांड 100 VTP मोड ट्रंक करेंगे, आपको ट्रंक बन जाएगा, बट मैं उसके थ्रू नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 100 इंटरफेस इथरनेट 0/0 एंड स्विच पोर्ट, ठीक है। तो इधर देखिए इसका कंडीशन क्या है, डायनेमिक ऑटो एंड स्विच टू का जो है 100 इंटरफेस इथरनेट 0/0 एंड स्विच पोर्ट, ये भी डायनेमिक ऑटो, दोनों साइड डायनेमिक ऑटो, इसलिए ट्रंकिंग इनेबल नहीं हुई। तो इस साइड में मैं स्विच टू वाले को क्या बना देता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0/0। अभी देखिए ट्रंकिंग इनेबल नहीं है, अगर आप स्विच वन पे आ जाओ, यहाँ पर एक कमांड चलाओ 100 इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंकिंग काम नहीं कर रही, राइट। स्विच टू पे आ जाते हैं और इसको मैं डिजायरेबल कर देता हूँ, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है, तो उसके लिए मैं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, सिंपल कमांड थी, प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में। ओके, अब इतना होते ही क्या बन गया होगा, आप चाहे स्विच वन से भी टेक कर लो, क्योंकि नेगोशिएशन इनेबल है, नेगोशिएट करेगा DTP, तो 100 इंटरफेस ट्रंक, मैंने ट्रंक इधर मैनुअल तो नहीं बनाया, बट देखिए ट्रंक इनेबल हो चुका, राइट, नेगोशिएशन हो गया और जितने भी एक्टिव विलेंस है उसकी इंफॉर्मेशन इधर आ गई, ठीक है। ये तो स्विच वन पे है, स्विच टू पे आ जाते हैं, स्विच टू पे भी आ जाते हैं और 100 इंटरफेस ट्रंक कर लेते हैं, पहले ट्रंक देखते हैं, राइट। तो ट्रंक बना हुआ देखो, राइट, 100 VTP स्टेटस कर लो, 100 VTP स्टेटस। अभी तक इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या था, वो 0 था, चेक करो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या कर रहा है, 600 कर रहा है, राइट। सर्वर पे भी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका 6 ही होगा, राइट, चेक कर लीजिए, क्योंकि 5 था लास्ट में, मैंने 555 बनाया हुआ था ना, तो इधर भी आप 100 VTP स्टेटस कर लो, राइट। इधर देखिए रिवीजन नंबर क्या है, 6, स्विच टू पे रिवीजन नंबर क्या है, 6। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, तो मैं 100 VLAN कर लेता हूँ, तो इस पर आपको VLAN की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी,
देखिए सारे वीलैन अपडेट हो गए क्लाइंट वाले सर स्विच पे, राइट। तो मैंने देखिए ट्रंक बनाया नहीं था, मैंने आपको बोला कि दूसरे साइड में डिजायरेबल करेंगे तो ट्रंक क्रिएट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट निगोशिएट कर लेगा विद हेल्प ऑफ डीटीपी। स्विच थ्री पे आ जाते हैं, बट स्विच थ्री को भी मैंने क्लाइंट बनाया हुआ है, ठीक है। स्विच थ्री को क्या बना दिया हम लोगों ने, क्लाइंट बना दिया, और क्लाइंट बनाने की वजह से मैं इस पर सो वीटीपी स्टेटस कर लेता हूँ। इधर VTP स्टेटस में आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, जीरो है। बट क्यों जीरो है, इसलिए जीरो है क्योंकि भाई ट्रंकिंग नहीं इनेबल है ना आपकी। अगर आप स्विच थ्री पे आओ, सो इंटरफेस ट्रंक करो, विदाउट ट्रंक VTP मैसेजेस पास नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच टू पे का इथरनेट 0/1 या फिर स्विच थ्री का इथरनेट 0/1, इसको आप डिजायरेबल मोड में कर दीजिए, क्योंकि बोथ साइड क्या होंगे, डायनेमिक ऑटो, राइट। तो मैं स्विच थ्री पे ही कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके और इंटरफेस इथरनेट 0/0 जो कि पोर्ट है, इसको मैं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल कर लेता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आप सो इंटरफेस ट्रंक करके देखो, क्योंकि ट्रंकिंग इनेबल हो जानी चाहिए, हो गए ट्रंकिंग इनेबल, बट अभी इसमें वीलैन 1 शो कर रहा है, तो अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए आ गई अपडेट, पहले मैंने एंटर किया था तो इसमें वीलैन 1 शो कर रहा था, अलाउ अभी एक्टिव वीलैंस क्या करें, 1, 10, 20, 30, 40, 50 to 55 एंटर पर 5, राइट। तो देखो अब चेक कर लो, सो वीलैन कर लो आप, ठीक, सो वीलैन करो तो इसमें सारे के सारे मल्टीपल एक्टिव वीलैंस आपको शो कर रहे हैं। इट मीन्स आपको ये बात अच्छे से, और कॉन्फिग्रेशन रिविजन नंबर चेक कर लो आप, सो VTP स्टेटस, देखिए कॉन्फिग्रेशन रिविजन नंबर क्या है, 6, क्लियर हो गई, डोमेन नेम आपका तो वही। तो अब क्या हो रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझो कि जो सर्वर मोड मैंने बनाया था स्विच, उस पर जो भी vlan.dat नाम की फाइल थी, ये फाइल इस क्लाइंट वाले स्विच पे भी अपडेट हो गई और स्विच थ्री वाले क्लाइंट वाले मोड पे भी अपडेट हो गई, इन दोनों पे ही प्रॉपर अपडेट हो गई। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिविजन नंबर भी कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिविजन नंबर का काफ़ी बड़ा रोल है जब भी हम नेगोशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इतना समझते हैं कि इसको मैंने सर्वर बनाया था, इसको मैंने क्लाइंट बनाया, सभी पे विलेन इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, ट्रंकिंग इनेबल होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपकी डन है। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के बारे में भी बताया कि सर्वर मोड पे जो होगा वही सभी क्लाइंट्स पे जाके अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर मैं ट्रांसपेरेंट स्विच की बात करूं, देखिए ये तो सर्वर मोड और क्लाइंट मोड की बात है, अगर मैं ट्रांसपेरेंट स्विच की बात करूं तो क्या रोल है, तो मैं इस स्विच को जो बीच वाला स्विच है इसको क्लाइंट से हटा के इसको मैं अब बनाने जा रहा हूं ट्रांसपेरेंट स्विच, ठीक है। तो क्रिएट करता हूं, उसका डिफरेंस आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैं स्विच टू पे हूं और अभी जो कंडीशन है उसमें मैं सो VTP स्टेटस करके आपको दिखा रहा हूं कि भाई अभी जो इसका स्टेटस है वो ऑपरेटिंग मोड क्या है, क्लाइंट, राइट। और इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, मतलब जो रिवीजन नंबर क्या है, 6 है। बट जैसे ही मैं इस स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं इस स्विच को ट्रांसपेरेंट स्विच बनाऊंगा, ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाऊंगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा, राइट। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी स्विच को ट्रांसपेरेंट स्विच बनाएंगे तो उस स्विच के ऊपर जो कि एक ट्रांसपेरेंट स्विच है उस पर किसी भी वीलैन की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। तो अब लॉजिकली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो vlan.dat फाइल है, ये डैट फाइल इस ट्रांसपेरेंट स्विच पे अपडेट नहीं होगी, ये डैट फाइल पास हो जाएगी और क्लाइंट मोड वाले स्विच पे अपडेट हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। बट अब जो ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच है इसकी अपनी खुद की डैट फाइल होगी, इसकी अपनी खुद की डैट फाइल होगी, मतलब जो ट्रांसपेरेंट मोड वाले में जो वीलैन की फाइल है वो इसकी अपनी खुद की होगी, वो सर्वर मोड वाले वीलैन की vlan.dat फाइल को अपने स्विच के ऊपर अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिवीजन नंबर है वो भी क्या शो कर रहा है, वो भी 0 हो जाएगा। तो करके देख लेते, अभी तो क्लाइंट है, तो 6 शो कर रहा है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके VTP मोड ट्रंक कर देता हूँ। देखिए डोमेन नेम तो आपको देना ही है, सॉरी VTP मोड ट्रांसफर कर दिया, और डोमेन नेम तो कॉमन होना ही चाहिए, विदाउट डोमेन नेम आपका ट्रांसपेरेंट मोड भी काम नहीं करेगा, डोमेन नेम उस पर साइन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं आपको अब शो वीटीपी स्टेटस करके देख लो भाई डायरेक्टली। तो इधर आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस पर कोई भी वीलाइन इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। शो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो ट्रंक तो है ये, ठीक है, ट्रंकिंग शो कर रहा है राइट, बट इस पर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। ये पहले से था तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब आप शो वीलाइन करोगे तो आप कहोगे ये तो दिखा रहा है सब, ठीक है, बट आप इसको ऐसे मत देखो क्योंकि ये पहले से क्या बना हुआ था, क्लाइंट। तो आपको ये वीलाइन इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी पड़ेगी राइट। ये वीलाइन इन्फॉर्मेशन अब आपके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए कि इसको क्या कर लेना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए राइट। बट ये इन्फॉर्मेशन रिमूव नहीं होंगी, मतलब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब भी, और ये चीज़ मैं आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि अपडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपडेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है, और रिप्लेसमेंट एक अलग चीज़ है, ओवरराइट एक अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। अपडेशन का मतलब है वीलेंस को ऐड करना, और ओवरराइट का मतलब है रिप्लेसमेंट हो जाना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हट जाएगी, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के अकॉर्डिंग होता है, उसको मैं डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नो वीलैन 2000 कर दो, ताकि जो भी वीलैन है वो रिमूव, आप सो वीलैन कर लो, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कमांड गलत रन हो गई, ठीक है। देखो सो वीलैन आप कर लो, देखिए सो वीलैन करिए, इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही। ट्रंकिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल है, सो इंटरफेस ट्रंक राइट, बट ये क्या कर रहा होगा, स्विच थ्री की तरफ वीलैन पास कर रहा होगा, स्विच थ्री की तरफ वीलैन पास कर रहा होगा। अगर आप स्विच थ्री पे आ जाओ तो सो वीटीपी स्टेटस करो, तो उसके लिए आपको स्विच वन पे कुछ न्यू वीलैंस बनाने पड़ेंगे। मैं स्विच वन पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके वीलैन मान के चलता हूँ 111 बना देता हूँ, ठीक है, और एक वीलैन और बना देता हूँ 222। दो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे पहली चीज़, ठीक है। तो ये हो गए, आप स्विच थ्री पे आ जाइए, स्विच थ्री पे आप चेक कर लीजिए सो वीटीपी स्टेटस। देखिए सिक्स के बाद अभी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कितना हो गया, 8। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि अपडेट हुआ ही नहीं, अगर रिवीजन नंबर आपका अपडेट हो गया है तो इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो गई होगी। तो आप सो भी लेन कर लो ऐसे नॉर्मली, और इधर आइए, आपको शो कर रहा है मैंने वंस कौन कौन से बनाए थे। पहले ये तो 10, 20, 30, 50 ये सारे वीलेंस हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो भी रहेंगे, और आपका जो 111, 222 और 555 ये वीलेंस है, ये भी अपडेट हो चुके हैं राइट, जो मैंने अभी क्रिएट हुए थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर किसी भी तरह के वीलेन अपडेट नहीं हो रहे, तो ये भी लॉजिक आपका क्लियर। अब इस लॉजिक को थोड़ा सा माइंड में ये डाउट रहता लोगों के कि कंपनी के अंदर किस तरीके का नेटवर्क होता है और किस तरीके का इन्वायरमेंट कंपनी के अंदर काम करता है। तो आप एक बात समझिए, कंपनी के अंदर सीधा सा दो तरीके से काम होता है, या तो सारे स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में होंगे या फिर सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क होगा। मतलब या तो सर्वर मोड और क्लाइंट बेस्ड आपका जो भी नेटवर्क होगा स्विच का, या फिर आपका सारे स्विचेस ट्रांसपेरेंट मोड में होंगे। आप ऐसे एक लॉजिक समझ लो, अगर आप सभी स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में कर दोगे तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जीरो हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर अगर जीरो हो जाएगा सभी स्विचेस का, तो इट मीन्स अगर एक स्विच पे आप कोई चेंजेस करते हो तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे स्विच पे नहीं पड़ेगा। मतलब सभी की वीलैन डॉट डैट फाइल अलग अलग होगी जब आप ट्रांसपेरेंट मोड में सारे स्विचेस को कर दोगे, बट अगर आप सर्वर मोड और क्लाइंट मोड के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो वीलैन डॉट डैट फाइल एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सर्वर क्लाइंट मोड, सर्वर क्लाइंट मोड वाले नेटवर्क में कर रहे हो तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप सर्वर मोड और क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के साथ जा सकते हो, और अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, आप नहीं चाहते कि कभी भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आए, तो सारे स्विचेस को आप ट्रांसपेरेंट मोड में बना के और सभी पे जाके इंडिविजुअल वीलेंस क्रिएट भी कर सकते हो। इस तरीके से भी आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, और इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं। मान लेते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वीटीपी में सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं, आप ऐसे समझिए। मैं क्या करता हूँ, एक स्विच और ऐड कर लेता हूँ,
सी नेटवर्क के अंदर एक इशू आ सकता है, ठीक है, नेगोशिएशन का इशू आ सकता है, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसका क्या इशू आ सकता है। देखिए अभी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कितना है, अभी आप किसी स्विच पे भी क्लाइंट वाले चेक कर लो, सो VTP स्टेटस, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका 8 है, राइट। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में अचानक कोई एक इंजीनियर गलती कर देता है या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, उसको क्या करता है एक इंजीनियर, एक नया स्विच लेके आ जाता है। मैं इधर एक नया स्विच ऐड करता हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको देखिए मैंने ये स्विच 4 लिया और मैंने स्विच 4 को इधर कनेक्ट कर दिया, राइट, और इस स्विच 4 को मैंने इस 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी इस स्विच 4 को, जो आपका इंजीनियर है उसने क्या किया, इस स्विच 4 को, ये ऑलरेडी सर्वर मोड में था, ठीक है, ये सर्वर मोड में था, और सर्वर मोड में होने के बाद इस पर कुछ मल्टीपल वीलेंस बना दिए, इस स्विच पे क्या किए मल्टीपल, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अभी इसका जो इंटरफेस इथरनेट 0/0 है ना ये वाला, इसको बंद कर देता हूँ, मैं शट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाह रहा ये इस जो आपका नेटवर्क है VTP बेस्ड नेटवर्क है उसके साथ ये ऐड हो, राइट। तो मैं सिंपली स्विच 4 पे जाके, मैं आपसे भी कर रहा हूँ ये लैब, आप ऐसे ही करिएगा, आपने एक नया स्विच ले लिया और इसका जो इंटरफेस है इथरनेट 0/0 स्विच 4 का, राइट, इसको आप नाम देना चाहते हो तो आप समझने के लिए होस्ट नेम SW4 कर लीजिए, और इसका इंटरफेस इथरनेट 0/0, राइट, सॉरी इथरनेट, डन, इथरनेट 0/0, इसको आप शट डाउन कर दो। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों करना है शट डाउन, फिर अभी आप कर लेंगे, ऐसे समझिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं इसमें कुछ मल्टीपल वीलेंस बनाता हूँ, ये ऑलरेडी सर्वर मोड में तो है ही, आप डू सो VTP स्टेटस कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच का क्या होता है सर्वर मोड में होता है। अभी रिवीजन नंबर क्या 0, क्योंकि अभी इस पर मैंने कोई कमांड रन नहीं की। हाँ मैंने, मुझे आपको ये भी बताना था अपडेटर आईडी, तो मुझे बस एक मिनट का टाइम दे, आपको अपडेटर आईडी बताता हूँ मैं, ठीक है, 401 402 403 405 406 7 8 अगर हम लोग बात करें इसका, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो कितना शो कर रहा है, 10 शो कर रहा है, राइट। और मैं इस पर अगर बात करूं तो डू सो VLAN कर लो, आपके पास जो VLAN इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 402 से 1 से लेके 409 और 1, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये स्विच है इस स्विच को सर्वर मोड में रखा हुआ है, राइट। अब मैं इसका जो इंटरफेस है इथरनेट 0/0 इसको अप कर लेता हूँ, जिसको मैंने शट डाउन कर रखा था, इस पोर्ट को क्या कर देता हूँ मैं अप कर देता हूँ। तो इस बात को आप समझिए कि जैसे ही मैं इंटरफेस इथरनेट 0/0 को नो शट डाउन, तो अब नो शट डाउन करने से क्या होगा, उसका स्टेटस आप स्विच 3 पे आके देख लो, क्योंकि स्विच 3 पे आके 100 VTP स्टेटस करोगे, तो अभी VTP स्टेटस में देखिए तो यहाँ पे कितना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आ रहा है, 10 आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस क्लाइंट की, मतलब स्विच 3 की, इस पर जो और भी वीलेंस थे वो ओवरराइट हो गए, मतलब वो ई वीलेंस की इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई। ये देखिए वीलेंस क्या थे, 10, 20, 30, 50, ये सारे वीलेंस थे, बट अभी इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, जो दूसरा वाला ये सर्वर मोड का स्विच है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो रिवीजन नंबर 10 है ये ओवरराइट हुआ है। ओवरराइट का मतलब आप 100 VLAN करके देखो, देखिए तो इन्फॉर्मेशन चली गई, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी वो ओवरराइट कर दी, ठीक। तो जिस जो इस तरीके का नेटवर्क के अंदर इशू आ सकता है, अगर आप नेटवर्क को बहुत ही
प्रॉपर वे से चलाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप सारे स्विचेस को एज ए ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाके मैनुअल वीलैन क्रिएट कर लीजिए, राइट। अदरवाइज अगर नेटवर्क में किसी ने इस तरीके से सर्वर मोड वाले स्विच को अटैच कर दिया और उसमें मल्टीपल वीलैंस बने थे और उसका जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो 10 था या 20 था वो अपडेट हो जाता है इस स्विच के ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर अभी मैं बात करूँ तो 100 VTP स्टेटस कर लेता हूँ मैं, तो आप इधर देखो, इधर आपका स्विच वन पे कर रहा हूँ जिसका सर्वर बनाया हुआ था, राइट। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है और जो स्विच 4 था उसका भी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 का, तो जो स्विच 4 पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है वही आपका स्विच 1 पे अपडेट हुआ है। मतलब स्विच 4 पे जो vlan.dat फाइल थी वो स्विच 1 पे आके अपडेट हुई है, और जो स्विच 1 पे ऑलरेडी पहले से थी वो ओवरराइट हो चुकी है। तो स्विच सर्वर मोड वाले स्विच पे जाएंगे, 100 VLAN करेंगे तो इसके अपने खुद के बनाए हुए VLANs आपको नहीं मिलेंगे। 100 VLAN करिए तो देखिए अभी इन्फॉर्मेशन किसकी आ रही है, जो स्विच 4 पे VLANs बनाए थे उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। तो आपका ओवरराइट करना और रिप्ले उसके बाद में अपडेशन दोनों में ही समझ में आएगा। देखिए अपडेशन का मतलब VLANs की इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही, ओवरराइट का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट हो गया, राइट। तो इस तरीके की इशूज आ सकते हैं नेगोशिएशन के अंदर, राइट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अभी मुझे आपको एक पॉइंट और बताना है, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा। वो पॉइंट आपका ये है कि मैं सर्वर वाले स्विच पे 100 VTP स्टेटस करता हूँ, तो देखिए अभी इधर आ रहा लोकल अपडेटर आईडी शो नहीं कर रहा, तो मैं इस पर एक SVI इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। VLAN के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और इंटरफेस मैं VLAN 1 को बना लेता हूँ, इंटरफेस VLAN 1 पे मैं एक IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 192.168.10.1 एंड नो सेट। मैंने एक SVI इंटरफेस बनाया है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अगर आपको पहले से पता होगा आई थिंक कि SVI कैसे बनाते हैं, और नहीं पता तो आप इतना समझिए कि स्विच के डायरेक्टली इंटरफेस पे हम IP नहीं दे रहे हैं, इंटरफेस VLAN 1 पे जाके मैंने एक IP असाइन किया हुआ है और उसको नो सेट किया हुआ है। इट मीन्स अब अगर आप स्विच को कभी भी एक्सेस करना चाह रहे हो, स्विच को रिमोट एक्सेस करना चाह रहे हो, तो विद हेल्प ऑफ दिस IP आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो अगर आपने इसमें रिमोट की सर्विस इनेबल की हुई है, राइट। तो इस तरीके से SVI इंटरफेस जब भी आप VLAN को IP दोगे तो एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस होगा, ओके। मैंने वैसे कोशिश की आपको SVI बताने की, बाकी डिटेल्स छोटा मोटा SVI आपको CCNA के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस मैं बता रहा हूँ कि ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं फिर से 100 VTP स्टेटस करता हूँ, देखिए आपको कुछ चेंज मिलेगा। सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकल अपडेटर आईडी कितनी शो कर रहा है, 192.168.10.1। देखिए मैं बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी आप अपडेटर आईडी का जो इलेक्शन होता है वो हमेशा सर्वर मोड वाले स्विच पे मिलेगा आपको। अगर सर्वर मोड वाले स्विच पे आपने मल्टीपल SVI क्रिएट कर रखे, मल्टीपल SVI एक नहीं कई SVI क्रिएट कर रखे हैं, तो लोकल अपडेटर आईडी उसी को बनाएगा जिसका IP एड्रेस लोवेस्ट होगा। मतलब अगर एक दूसरा कोई आपने बना रखा है, सपोज 192.168.1.1, एक VLAN और है इसमें मैं अगर बात करूं, देखिए तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके पहले 200 VLAN कर लेता हूँ 401, राइट। तो मैं इंटरफेस VLAN 401 को एक IP दे देता हूँ। मैं लोवेस्ट वाला पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि 192.168.1.1 और IP एड्रेस मैंने ये दे दिया और नो सेट कर दिया, ठीक है। अब आप 100 VTP स्टेटस कर लो, VLAN इंटरफेस लोवेस्ट नंबर VLAN इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ओके। तो वो VLAN 1 है इसलिए इसने इसको 10.1 को सेलेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाला डाउट आपका क्लियर, नो VLAN 1, नो इंटरफेस VLAN 1, ठीक है। SVI रिमूव कर दिया मैंने, 100 VTP स्टेटस, ये डाउट नहीं रहना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने उसको रिमूव कर दिया ये 401 आ गया। तो आप लोवेस्ट IP एड्रेस नहीं बोलोगे, लोवेस्ट इंटरफेस बोलेंगे, जो VLAN इंटरफेस। तो ये VLAN इंटरफेस 401 है, वो VLAN इंटरफेस VLAN 1 था। तो VLAN 1 क्या है, लोअर इंटरफेस है। इंटरफेस कौन सा लोअर है, IP एड्रेस नहीं,
राइट, शायद मेरे से भी मिस्टेक पहले से निकल गया कि इंटरफेस मतलब आईपी एड्रेस लोअर, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो वीलैन जिस जो इंटरफेस लोअर होगा उसको सेलेक्ट करेगा। ओके, ये 401 है, ये 401 है। अगर आप 402 दोगे तो उसको नहीं लेगा, 402 दोगे तो उसको इलेक्शन में नहीं लेगा, मतलब जो लोवेस्ट इंटरफेस है उसी को इलेक्ट करेगा। ये क्लियर होगी बात, आपको ये डाउट थोड़ा सा बन रहा था, आपका डन। तो आपका लोकल, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई आप ये समझिए। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, ऑपरेटिंग मोड के बारे में पता चल गया, अपडेटर आईडी का इलेक्शन कैसे होता है, डोमेन नेम सभी पे कॉमन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट स्विच का मीनिंग क्या है, और तो वीटीपी बेस्ड नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस टाइप की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। ओके, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है। अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। प्लस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वीटीपी प्रूनिंग की बात करेंगे। इधर देखिए आपका वीटीपी प्रूनिंग क्या है, डिसेबल शो कर रहा है, राइट। तो वीटीपी प्रूनिंग का क्या यूज़ है उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।